पेट में रोटी तन पर कपड़ा मिल जाए तो फिर क्या लफड़ा। रोटी और कपड़े ने जग में सारे खेल रचाए हैं। रोटी तुम सरकार से मांगो कपड़ा हम ले आए हैं, कपड़ा हम ले आए हैं। रोटी और कपड़े ने जग में सारे खेल रचाए हैं। पिंजौर स्थित बिटना रोड पर एक बेसहारा मंद बुद्धि व्यक्ति को अपना आशियाना आश्रम हिमशिखा में दी पनाह। जानकारी देते हुए हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने बताया कि उन्हें पिंजौर पुलिस की ओर से सूचना मिली थी कि एक मंद बुद्धि व्यक्ति जो कि बिटना रोड पर घूम रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है, जिसके बाद मैं पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा और वहां जाकर देखा कि उक्त व्यक्ति ठंड में तड़प रहा था और उसे बहुत चोटें लगी हुई थी, जिसे हमने वहां से ले जाकर रात को रैन बसेरा में छोड़ दिया था और अगली सुबह उक्त व्यक्ति को नहलाकर साफ सफाई कर कालका अस्पताल चेकअप के लिए ले जाया गया और वहां पर उसके सभी टेस्ट करवाकर मरम पट्टी और दवाई दिलवाकर अपना आशियाना आश्रम हिमशिखा में ले जाया गया। इस मौके पर हितेश पावा ने अपील की है कि यदि किसी भी जगह पर कोई ऐसा बेसहारे व्यक्ति किसी को मिलते हैं तो हमें उसकी सूचना दे और हम उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। परसों रात नूं जी सानू क्या कहिंदे पिंजौर थाने तो जसविंदर सिंह जी का फोन आया सीगा कि बिटना रोड से कोई मंद बुद्धि पागल व्यक्ति पे है ते लोगों को परेशान कर रहा। मैं उसी टाइम कल्ला ही थाने गया। थाने तो फिर जसविंदर जी ना जिप्सी तो उत्थे गए जी। उत्थे जाके उन्हें देखा इस बंदे नूं तो बहुत बुरी हालत है, ठंडी तड़फ रहा है, चोटा लगिया हुई सी, हूँ भी असं चाटा चाटा काफ़ी लगिया हुई हैं। फिर असं इन्हें लैके आए, राती रैन बसेरे रखिया। उस तो अगले दिन असी सवेरे 26 जनवरी वाले दिन इनू लिया के अपने घर ऑफिस इनू स्वस्थ बनाया, भारत बना स्वस्थ पूरा बनाता, तंदुरुस्त करता, इनू नहाया धोया फर्स्ट क्लास। फिर अज असी इसनों कालका होस्पिटल लैके गए, ये एक्सरे कराए तो यदि पट्टिया पुट्टिया सारिया कराइया, चोट इतने टंगा तो चोटा बहुत लगिया हुई हैं, टांके भी लगे हुए हैं। कहिंदा जी मेरे लत्त ते ना कोई गड्डी गुड्डी चढ़ गई सी। तो इस नूं असीं इस तरह अजे साडे कोलों अपना घर अपना आश्रम रहने च ये तीसरा व्यक्ति है। इसी प्रकार नाल असीं होर भी व्यक्ति लियांदे रहांगे, आंदे रहणगे। तो बहुत जल्द असीं एक भवन बना के ऐसे स्वच्छ बुद्धिमान लोग असी उत्थे रखांगे, उन्हां दी सेवा करांगे तन मन धन नाल। और सरकार नूं भी प्रार्थना करते हैं कोई करांगे कि सानूं कोई जगह प्रोवाइड करा देन ते जल्द तो जल्द असी भवन बनाइए। और मैं मनी जी सब तो पहले तुहाडा भी बहुत शुक्रिया अदा करदा मीडिया का जो साडी इस खबरां नूं समाज तक पहुँचाते ने सोशल मीडिया का, कि ऐसे कोई व्यक्ति मिलन सानूं दसो। साडे नंबर नीचे चल रहे ने 9876113857 9876113857 13857। ये मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है जी, खबर साड़ी पहुँचाते हो तो समाज तक साड़ी खबर पहुँचती हैं सोशल मीडिया तक। तो सानू कई फोन भी आते हैं, जिस तरह पिंजौर थाने तो आ गया, अननोन बॉडी वाले का आता है तो संस्कार करना जी। इसी प्रकार ऐसे कोई तुहानू व्यक्ति मिले सानू संपर्क करो, असीं उन्हें लियावांगे अपने कोल रखांगे। एक चार दिन पहले की भी मैं गल दसा, मोहाली दे विच एक मंदबुद्धि लेडी 7 महीने तो मंडी बोर्ड के अगे पई सी, तो कई लोग उसनों गंदी नज़र नाल भी देखते सीगे करते सीगे। तो सानू जब पता चलिया असी उसनों लैके उत्थों दी करनाल अपना आशियाना आश्रम छड़ के आए, क्योंकि हले साडे कोल इन्नी व्यवस्था नहीं है कि असी लेडीज़ नूं रख सकीए। और आने वाले टाइम चाहे जी व्यवस्था बनावांगे, कोई लेडीज़ होए, कोई जेंट्स होए, कोई बजुर्ग होण, असी उन्हां नूं रखांगे ते समाज की सेवा करांगे और करते रहांगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी सोशल मीडिया का, ते साडी इस तरीके नाल खबरां पहुँचदियां रहिंदियां। जय श्री राम।